हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग B2F4 और B2Cl4 का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये डाइबोरॉन टेट्राफ्लोराइड, ये डाइबोरॉन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। तो हम जानते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, 1s2, 2s2, 2p1। फ्लोरीन का होता है 9, 1s2, 2s2, 2p5। सिमिलरली इसमें भी बोरान का एटॉमिक नंबर 5 ही रहेगा, 1s2, 2s2, 2p1। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p5, राइट। बोरान के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसमें भी बोरान के एटॉमिक आउटर शेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहे हमारे बोरान 2, और ये रहे 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। तो बोरान क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा इस फ्लोरीन के साथ, एक की शेयरिंग इस फ्लोरीन के साथ, एक की शेयरिंग इस फ्लोरीन के साथ। सिमिलरली ये वाला बोरान भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस बोरान के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन को 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस बोरान के साथ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस बोरान के साथ। ये वाले फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस बोरान के साथ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस बोरान के साथ कर लेंगे। यानी इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड पे बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड पे बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड पे, एक बोरान पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा हमें, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, ये प्लैनर होता है, प्लेन के अंदर होता है। ये ऐसे क्या होगा, एकदम प्लेन के अंदर होगा। प्लेन के अंदर होने से फ़ायदा ये रहेगा कि फ्लोरीन के पास हम जाते हैं ये फिल्ड पी ऑर्बिटल होते हैं, और बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये इस बोरॉन के साथ क्या कर ले, बैक बॉन्डिंग कर ले, ठीक है। इसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पी पाई बॉन्ड, राइट। जबकि अगर हम इसमें B2Cl4 का स्ट्रक्चर देखें, तो B2Cl4 का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये रहा एक बोरान और एक ये बोरान रहा। इसमें क्या होता है, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और जो क्लोरीन है हमारे, वो क्लोरीन 2 तो हो सकता है प्लेन के अंदर हो, और 2 क्या होंगे, प्लेन से इस तरीके से उठे होंगे, ठीक है। एक अबव द प्लेन और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन। यानी अगर हम लोग स्ट्रक्चर एक इनका देखें, तो ये 2 क्लोरीन हमें प्लेन के अंदर दिखाई देंगे, ये 2 क्लोरीन एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। यानी अगर हम इसको इस तरीके से देखें, राइट, ये वाले क्लोरीन हमारे क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, और अगर हम ये बोरान पीछे वाला मान लें, बोरान, एक क्लोरीन ये होगा और एक क्लोरीन ये। यानी ये स्ट्रक्चर जो होगा, ये वाला बोरान हमारा, ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये कैसा है, स्टैगर्ड तरीके का स्ट्रक्चर है। जैसे कन्फर्मेशन में हम लोग देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये 2 क्लोरीन क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, 2 क्लोरीन क्या होते हैं, प्लेन से बाहर होते हैं, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होता है। यानी B2Cl4 का स्ट्रक्चर जो होता है, स्टैगर्ड होता है, जबकि ये स्ट्रक्चर जो है हमारा कैसा है, प्लेनर। क्योंकि प्लेनर में होने से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि बैक पाई बॉन्डिंग कर पाए, और इसी वजह से क्या होता है, ये वाला जो B2F4 होता है हमारा, क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है देन B2Cl4, ठीक है। तो इसको एक बार हम कायदे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा B2F4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें ये जो हमारे चारों फ्लोरीन हैं, ये कहाँ होंगे, प्लेन पर मौजूद होंगे, प्लेन में होंगे, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें B2Cl4 की, तो B2Cl4 में क्या होगा कि ये दोनों Cl तो हो सकते हैं हमारे प्लेन में मौजूद हो, राइट, लेकिन ये जो Cl हमारे हैं, एक अबव द प्लेन होगा और एक कहाँ होगा, बिलो द प्लेन।
यानी ये स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ये होता है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, ये जो होता है हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्लोरीन का देखिए 3p ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन के पास 3p होता है, जबकि इसके पास क्या होता है 2p होता है। तो इन दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इस वजह से क्या हो सकता है इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। होपफुली आपको B2F4 और B2Cl4 का स्ट्रक्चर समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।